नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में हिंदुओं की आस्था का केंद्र पवित्र केदारनाथ धाम इस सप्ताह दो मुद्दों को लेकर चर्चा में रहा। पहले दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ धाम मंदिर के विरोध में कुछ साधु संत उतर आए, तो उसके बाद उत्तराखंड स्थित ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरोप लगा दिया कि केदारनाथ मंदिर में सोना घोटाला हुआ है और वहां से 228 किलो सोना गायब हो गया है। इसके बाद उत्तराखंड सरकार हरकत में आई। पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात कर उन्हें दिल्ली में बन रहे मंदिर के विरोध में किए जाने वाले आंदोलन को स्थगित करने के लिए मनाया। उसके बाद श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मीडिया को दिए गए बयान में कहा, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में बने रहना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की आदत है। आइए आपको पहले दिखाते हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने क्या कहा, उसके बाद दिखाएंगे अजेंद्र अजय की प्रतिक्रिया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी से आपने कल मुलाकात की, उनको आशीर्वाद दिया कल? हाँ, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया। हमारा नियम है, हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, हम उनके हितैषी हैं, सदा उनके हित की बात कह रहते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं कि तुमसे ये गलती हो रही है। आपको लगता है वो हमारे दुश्मन नहीं है? आपके जरिए बीजेपी के साथ को लेकर ऐसी कोई बातचीत? नहीं नहीं, हमारे जरिए कोई, हम कोई लाइजनर नहीं है। हमको श्रद्धा पूर्वक उन्होंने बुलाया था, हम जैसा कि हमारा नियम है श्रद्धा से बुलाने पर जाते हैं। हम आए, उन्होंने पादुका पूजन किया और अपनी जो उनकी अपनी बातें थी वो भी हमारे सामने रखी, हमने उनको सुन लिया। ये जो बात हम कह रहे हैं वो हम अपने मन की बात कह रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र की जनता की बात। देखिए, एक संत के रूप में मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का बेहद सम्मान करता हूँ, किंतु आप भी जानते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की सुबह शाम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद राजनेता भी नहीं करते होंगे जितने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी करते हैं। और विवादों को खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में रहना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की फितरत में शामिल है। उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूँ और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूँ कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं और उसके साथ में वो सक्षम अथॉरिटी के समक्ष जाएं और सक्षम अथॉरिटी के सामने तथ्य प्रस्तुत करें, जांच के लिए मांग करें। और अगर उनको किसी सक्षम अथॉरिटी पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका दाखिल करें और उसके जांच की मांग करें अगर उनके पास वास्तव में किसी प्रकार के कोई साक्ष्य हैं। और नहीं तो बेवजह किसी प्रकार के विवाद खड़े करना केदारनाथ जैसे धाम पे की गरिमा को और उसके जो महत्ता है उसको ठेस पहुंचाने का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और केवल विरोध करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो कार्य कर रहे हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि जैसे हमने पूर्व में भी जब ये विवाद उठा था तब भी हमने स्पष्ट किया था कि केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराया गया है उसमें बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की कोई भूमिका नहीं रही है और न ही प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई लेना देना रहा है उस मामले में। गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने का जो कार्य किया गया है वो मुंबई के एक दानी दाता हैं, उनके द्वारा किया गया और उन्होंने अपने ज्वेलर्स के माध्यम से ही कार्य संपादित कराया। मंदिर समिति ने ना ही सोना खरीदा और ना ही उन्होंने मंदिर समिति को सोना दिया है, उन्होंने स्वयं के माध्यम से, स्वयं के कारीगरों के माध्यम, स्वयं के ज्वेलर्स के माध्यम से कार्य संपादित कराया। और उनके बारे में, उन दानीदाता के बारे में यह भी कहना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उन्होंने देश के तमाम मंदिरों में स्वर्ण मंडित स्वर्ण के कार्य कराए हैं, उनमें काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ से लेकर के मुंबई के सिद्धि विनायक से लेकर के अयोध्या में राम मंदिर में, और इससे पूर्व उन्होंने 2005 में बद्रीनाथ में भी ये कार्य कराया था। और वो एक बहुत बड़े दानी हैं और
और इस प्रकार के घटनाक्रमों से, इस प्रकार के आरोपों से जो हमारे दानी दाता हैं, जो हिंदू धर्म को संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, जो धार्मिक संस्थाओं को इस प्रकार का दान देते हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। तो इसलिए मेरा स्वामी स्वरूप ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध है कि उनके पास किसी प्रकार के साक्ष्य हैं, केवल प्रेस के सामने बयानबाजी न करें, सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच की मांग करें। और इस बारे में जो उन्होंने कहा कि 228 किलोग्राम सोना चोरी हुआ, मैं इस बारे में एक बात और भी आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा, और पूर्व में भी हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जो केदारनाथ धाम के गर्भगृह में जो दानी दाता द्वारा जो स्वर्ण लगाया गया है वो उसके लगभग वो 23 किलोग्राम के करीब है। और क्योंकि उस समय जब ये स्वर्ण मंडित किया जा रहा था गर्भगृह को, उस समय उससे पूर्व वहाँ पर गर्भगृह में चांदी की प्लेटें थी और चांदी की प्लेटों का जो वजन था वो 230 किलोग्राम था। तो मीडिया के कुछ लोगों द्वारा ये अनुमान लगाया गया कि चांदी की प्लेटें 230 किलोग्राम की हैं, तो स्वाभाविक रूप से सोने की प्लेटों का वजन भी 230 किलोग्राम होगा। तो इस बात को प्रचारित हुई, लेकिन सोने की प्लेट और चांदी की प्लेट में काफ़ी अंतर होता है। जो चांदी की प्लेट होती है वो पूरी तरीके से चांदी से ही निर्मित प्लेटें होती हैं, जबकि जो सोने की प्लेटें होती हैं, सोने की प्लेटें कॉपर की प्लेट पे उन पर वर्क चढ़ाया जाता है, सोने का लेयर चढ़ाई जाती है उन पर, और वो उस तरीके से सोने को मतलब शुद्ध रूप से केवल सोने की प्लेट नहीं होती है, वो कॉपर पे सपोर्टिंग वो रहता है और उस कॉपर के प्लेट की डिजाइन बनते हैं, उन डिजाइनों पर सोने की लेयर चढ़ाई जाती है। तो जो केदारनाथ धाम में जो स्वर्ण लगाया गया है वो 23 किलोग्राम करीब सोना है उसमें, और 1000 किलोग्राम करीब तांबे की प्लेटें हैं। और ये तकनीकी पूरे देश में जितने भी मंदिरों में स्वर्ण को लेकर के जो भी कार्य हुए, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, चाहे गोल्डन टेंपल हो, सभी जगह इसी तकनीक के आधार पर स्वर्ण मंडित कार्य कराए जाते हैं। तो इसलिए मेरा फिर एक बार मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, और वो साधु संत के रूप में अपने को प्रदर्शित करते हैं, और संत होने के नाते उनको इस प्रकार के दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए, और संत के रूप में उनको सद्भाव का संदेश देना चाहिए, समाज में अच्छे संदेश देना चाहिए, बजाय कि इस प्रकार के हिंदू धर्म के प्रति, जैसे पूर्व में भी उनके कई बार बयान आते रहे हैं, राम मंदिर के समय में भी उन्होंने विरोधाभासी कई तरीके के बयान दिए थे, तो इस प्रकार के उनको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और कांग्रेस के एजेंडे के अनुरूप नहीं चलना चाहिए। हम आपको यही बता दें कि दिल्ली के बुराड़ी में बनाए जा रहे केदारनाथ जैसे मंदिर के विरोध में जारी अपने आंदोलन को केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन पर स्थगित कर दिया है। केदार सभा के विनोद तिवारी और उमेश पोस्ती ने केदारनाथ में कहा कि उनके अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने मुख्यमंत्री से इस संबंध में मुलाकात की थी और अब उनके निर्देश पर आंदोलन को स्थगित किया जा रहा है। उमेश पोस्ती ने कहा कि हमारे अध्यक्ष की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है जिसमें उन्हें सकारात्मक आश्वासन मिला है। इस बीच दिल्ली में केदारनाथ जैसा मंदिर बनाने वाले ट्रस्ट के प्रमुख सुरेंद्र रौतेला ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में बनाया जा रहा मंदिर केदारनाथ धाम नहीं है और इसके निर्माण से राज्य सरकार का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा यह केवल केदारनाथ नाम का एक मंदिर है। उन्होंने कहा मैं स्वयं भी उत्तराखंड से हूँ, मैंने ऐसा केवल उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ही किया है। जय बाबा केदार। मेरे साथ इस वक्त दीदी हैं सुरभि सुमन जी जो कि देहरादून से हैं, और भाई हैं शशिमन कोटनाला जी जो कि रिखड़ीखाल ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। और जहां तक आप केदारनाथ धाम की बात कर रहे हैं, केदारनाथ धाम दिल्ली में मंदिर बन रहा है, हम धाम नहीं बना रहे हैं। ये अनावश्यक तूल पकड़ा जा रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उस कार्यक्रम में भूमि पूजन के लिए हम सब लोगों की रिक्वेस्ट पे वहाँ गए थे। वो तो धर्म रक्षक हैं, वो तो धर्म के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। चारधाम जो यात्रा है उन्होंने बहुत सुगम और अच्छे तरीके से चलाई है, पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। तो हमारी रिक्वेस्ट थी कि वो लोग वहाँ पे आ जाएं और हमारे भूमि पूजन में हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, केदार का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम उनको यहाँ बुलाया था। हमारे कहने रिक्वेस्ट भी वहाँ गए थे, लेकिन उनका उस मंदिर से कोई योगदान नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, उस ट्रस्ट में उनका कहीं नाम नहीं है, और ना ही उत्तराखंड सरकार का किसी तरह से कोई योगदान हमें मिला है, और ना ही हमने उनसे मांगा है कभी भी।
हमें जब से पता चला है मीडिया के थ्रू या अखबारों के थ्रू कि कुछ लोगों को आपत्ति है कि ये केदारनाथ धाम नहीं होना चाहिए, केदारनाथ मंदिर नहीं होना चाहिए, यदि कि जिन श्रद्धालुओं को या पुरोहितों को या किसी समाज को हमारी इस नाम से आपत्ति है, ये वो आहत हुए हैं, तो हम जरूर इसके लिए नाम के लिए हमने अपनी कमेटी में बात कर ली है, हम नाम चेंज करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।